जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पूरणमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार से करती देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्य के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा,
हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 दिए होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्व हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और विचार किया कि जो वरदान फल से मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास की माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए
भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्या दान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली, पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदाप नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई 1 अंगूठी दी, 1 रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए 1 पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली 1 नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर
गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाड़ी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधु पर और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणात दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया।
जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।